हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका, योर केमिस्ट्री टीचर एट कॉम्पिटिशन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट 2025 के लिए क्या आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट हो गए हैं, कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आती है कि केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़नी है, आपको क्या सोर्स प्रेफर करना है। तो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी है और एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको अपनी पूरी स्टडी मेंटेन करनी है फॉर नीट 2025। अब बात आती है बच्चों कि मैम, एनसीईआरटी हमें ओल्ड प्रेफर करनी है, न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करनी है। तो आप न्यू एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो नीट 2024 का पेपर आया था वो न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड ही आया था। कुछ टॉपिक जरूर ऐसे थे जैसे कि आपका पी ब्लॉक हो गया, जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में था बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं था, बट एनटीए ने अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि भाई वो आपसे पी ब्लॉक पूछेंगे और उन्होंने पी ब्लॉक पूछा था। तो सिर्फ पी ब्लॉक के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो न्यू एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी में आपके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, बट जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आपको वो नहीं पढ़ने हैं। स्ट्रिक्टली जो चैप्टर्स आपको एनटीए ने अपने सिलेबस में दिए हैं बस वही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और नीट 2024 का जो पेपर रहा है वो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही रहा है, कोई भी डिलीटेड टॉपिक से सवाल नहीं आया था। इट मींस जो भी आपको सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको अपनी पूरी तैयारी को मेंटेन करना है। तो आपको डिलीटेड टॉपिक्स की कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पर ही फोकस करना है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो बात होगी ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी की। भाई अगर तुम्हारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो जो चैप्टर्स आपके हट गए हैं उनको छोड़कर आप सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अगर किसी के पास न्यू एनसीईआरटी है तो पी ब्लॉक जरूर आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट आपके सारे के सारे चैप्टर्स न्यू एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। अब बात आती है आपके डिलीटेड टॉपिक्स की। तो डिलीटेड टॉपिक्स की अगर हम 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में जो आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो है हाइड्रोजन, वो है आपका एस ब्लॉक और वो है आपका पी ब्लॉक, वो आपको पढ़ने ही नहीं है। देखो पी ब्लॉक वाला जो पार्ट है, पी ब्लॉक वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। आपको कंपाउंड्स की स्टडी नहीं करनी है, कंपाउंड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड में, तो 12th स्टैंडर्ड पर जब आप जाएंगे तो आपको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना, आपको सर्फेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, आपको मेटलर्जी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ना है, और 11th से आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। खैर, अब जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो तो इन चैप्टर से फेमिलियर भी नहीं होंगे क्योंकि उनका भी अब नहीं है न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, अब बात आती है न्यू टॉपिक्स की। तो न्यू टॉपिक्स में जो नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, और जब सॉल्ट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो सॉल्ट एनालिसिस से इस बार दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सॉल्ट एनालिसिस उन्होंने इसी साल ऐड किया है और इसी बार उन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो अनडाउटेडली सॉल्ट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सॉल्ट एनालिसिस जो आपको प्रेफर करना है वो अपनी लैब मैनुअल से प्रेफर करना है। ठीक है, और जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कैटायन के ओनली ग्रुप्स पूछे गए थे, तो एज सच कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आप श्योरली इसके लिए लैब मैनुअल प्रेफर करेंगे। दिस इज द न्यू टॉपिक विच इज नॉट अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी। अब चलिए स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि आपके नीट 2025 के सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th स्टैंडर्ड से। तो क्लास 11th स्टैंडर्ड से अगर हम देखें, सबसे पहले आता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर आपको मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, एंड ये चैप्टर आपको कंप्लीटली फॉलो करना है फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी आपके क्लास 11 का चैप्टर है और ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इज द केमिकल बॉन्डिंग, एंड केमिकल बॉन्डिंग से इस बार तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, भी आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम की आप बात करें, चाहे आप आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, आपको दोनों ही पढ़ने हैं। और इंटरेस्टिंगली इस साल देखा गया जो नीट 2024 का पेपर था उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम से तो आपके दो सवाल थे बट आयनिक इक्विलिब्रियम से एक भी सवाल नहीं था। लेकिन अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है एंड आपको ये पढ़ना है, बिकॉज देखो पेपर इज अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट ईयर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आयनिक से दो सवाल हों, केमिकल से एक भी ना हो। ठीक है, सो आपको पढ़ने तो दोनों ही है। नेक्स्ट आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहां पर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन,
आपके एसिडिक स्ट्रेंथ, आपके बेसिक स्ट्रेंथ, आपका रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यहाँ पढ़ने हैं. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट कम्स इज योर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आपका लास्ट चैप्टर रहेगा. सो इन टोटल क्लास 11th एनसीईआरटी से आपके टोटल कितने चैप्टर्स आने वाले हैं? आपके 9 चैप्टर्स आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स. ठीक है, 9 चैप्टर्स ये रहेंगे. इसके अलावा जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो कौन कौन से? एस ब्लॉक हो गया आपका, इधर हाइड्रोजन हो गया आपका, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया. ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं. और आपका कौन सा हो गया? पी ब्लॉक. अब देखो पी ब्लॉक की एक चीज मैं यहां मेंशन कर देती हूं. पी ब्लॉक एक मिस्टीरियस चैप्टर बन चुका है. कैसे? अब ये न्यू एनसीईआरटी में तो है नहीं, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है, तो हमें ये कहाँ से पढ़ना है? ये हमें पढ़ना है हमारी ओल्ड एनसीईआरटी से. और जब हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़नी है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हमें कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करना है. कंपाउंड से ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है. जो उन्होंने बोला था स्पेसिफिकली वहीं से क्वेश्चन आए हैं. तो देखो पी ब्लॉक आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ ले लें. देखो पूरी ओल्ड एनसीईआरटी खरीदने मत जाना मार्केट में. कोई भी आपका फ्रेंड हो तो आप उसका स्कैन कर लेना कॉपी, प्रिंट निकलवा लेना और उस प्रिंट से आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओल्ड एनसीईआरटी के हसल में निकल जाएं कि मुझे ये चैप्टर चाहिए. एक सिंगल प्रिंट से आपका काम हो जाएगा. इवन आप जाएंगे तो नेट पे भी इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से आप एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का पी ब्लॉक के पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, चलते हैं क्लास 12th की बात करते हैं. क्लास 12th स्टैंडर्ड से आपके चैप्टर्स की, तो देखो सॉल्यूशन से पहले आपका ओल्ड एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, जो कि हट चुका है और ना ही वहां से कोई सवाल आया है आपकी नीट 2024 में. तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर आपके सिलेबस में है. ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन सिलेबस में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में. केमिकल काइनेटिक्स इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल कर आए. यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज डीएनएफ ब्लॉक, इस बार यहाँ से भी 3 सवाल आए हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ से भी 3 सवाल आए हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो वैसे भी हर साल ज्यादा ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन जब आपका सिलेबस कम किया गया तो चैप्टर्स कम हुए, तो जो हटे हुए चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आने के बजाय ये जो चैप्टर्स है डीएनएफ ब्लॉक काइनेटिक्स, इनसे सवाल पूछे गए हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया है. नेक्स्ट चैप्टर आता है, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट है, फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. यहां तक आपका पूरा पीआई का पार्ट था. नाउ कम्स इज योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स. ये आपका पूरा 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये 5 चैप्टर्स आपके 12th ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं. तो यहाँ पर भी फिर मिस्टीरियस हमारा चैप्टर आता है, दैट इज पी ब्लॉक. क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां सिर्फ 13th एंड 14th ग्रुप आपका दिया हुआ है. ठीक है, जबकि आपके 15th टू 18th ग्रुप कहाँ दिया हुआ है? आपके 12th स्टैंडर्ड में. तो यहाँ पर भी ये न्यू एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, तो हमें पढ़ना कहाँ से है? ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, हमें कहाँ से पढ़ना है? हमें से पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी से. और क्या हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं? नहीं, हमें इसके कंपाउंड्स भी नहीं पढ़ने हैं, ओनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है. बात ठीक है, तो 10 चैप्टर्स अगर आप देखें, 10 चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड से, 9 चैप्टर्स आपके 11th स्टैंडर्ड से, टोटल 19 चैप्टर्स हो गए. और एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, टोटल 20 चैप्टर्स हैं जो कि आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं फॉर द एग्जाम ऑफ नीट 2025. और एक चीज और, जब नीट 2024 का पेपर हुआ इसी सिलेबस पर बेस्ड हुआ, ठीक है, तो देखा गया फिजिकल का पोर्शन ज्यादा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं आपको उन पर स्पेशल एम्फोसिस देना है, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे एटमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे इक्विलिब्रियम हो, 12th से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, इन चैप्टर्स का और लिक्विड सॉल्यूशन, इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देनी है. और एक और देखी गई, जैसे इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो सिलेबस कम होने के बाद कम हो गया है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब आपका पीरियोडिक टेबल हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग, और इधर अगर हम आते हैं तो डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक. ठीक है, 5 चैप्टर्स थे लेकिन अच्छा खासा वेटेज रहा है, ऑर्गेनिक के बराबर ही वेटेज रहा है. तो ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक का पार्ट छोटा है लेकिन उसका वेटेज बराबर है, तो इनऑर्गेनिक पर भी हमें इक्वली ध्यान देना है. और अनडाउटेडली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग पार्ट, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है. तो सबसे पहली चीज हमारा इस वीडियो का मोटिव था कि आपको सोर्स क्या प्रेफर करना है. एनसीईआरटी इज द सोर्स, आपको उससे ही पढ़ाई करनी है. न्यू वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी में आप न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करो. ओल्ड एनसीईआरटी से बस आपको एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज पी ब्लॉक, सिंपल. डिलीटेड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर न्यू एनसीईआरटी है तो आपको उनके बारे में सोचना नहीं है, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो कुछ चैप्टर्स हो गए जैसे कि आपका
11 स्टैंडर्ड से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 11 स्टैंडर्ड से आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका एस ब्लॉक हो गया, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, 12 स्टैंडर्ड से आपका सॉलिड स्टेट हो गया, मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये चैप्टर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका हट चुका है, रेस्ट आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके अलावा, ठीक है। तो इस वीडियो का यहाँ मोटिव कंप्लीट होता है, होपफुली आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको एक ओरिएंटेशन मिला होगा कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई का अप्रोच करनी है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।